देखें, अगर इस तरह के सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने हों, जैसे एक न एक दिन मुझे वहाँ जाना ही है, किसी न किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा, तो इसे कैसे बोलें? तो बेसिकली इस वीडियो में हम वन आर दी अदर डे के यूज के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक न एक दिन या किसी न किसी दिन। इसे यूज करने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें पहले हम वन आर दी अदर डे को लिख लेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उस कंप्लीट सेंटेंस को लिख लेंगे। अब सेंटेंस देखते हैं, एक न एक दिन मुझे वहाँ जाना ही है। तो इसमें पहले हम एक न एक दिन की इंग्लिश लिखेंगे वन आर दी अदर डे, उसके बाद मुझे वहाँ जाना ही है की इंग्लिश लिखेंगे आई हैव टू गो देयर। वन आर दी अदर डे आई हैव टू गो देयर। किसी न किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा। वन आर दी अदर डे यू विल रियलाइज दिस। एक न एक दिन तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वन आर दी अदर डे यू विल हैव टू पे फॉर इट। किसी न किसी दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक न एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। वन आर दी अदर डे आई विल डेफिनेटली डिफीट यू। एक न एक दिन हर किसी को मरना है। वन आर दी अदर डे एवरीबडी हैज़ टू डाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग।